गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी सामाजिक विज्ञान भूगोल की कार्यपत्रक नंबर 4 आई है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है, कार्यपत्रक 4, और इसकी तिथि 16 अप्रैल 2021 है और ये आपकी भूगोल से आई है, जिसमें हम आपका पार्ट एक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण होता है बच्चों की किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं संसाधनों का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि संसाधन हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति जो करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो कागज हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, टेबल हो, जिससे मनुष्य की कोई भी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो सभी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इनको बचाए रखने की भी बहुत ज़रूरत होती है, संरक्षित करके रखने की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं फ्यूचर की, उनको भी उन संरक्षण का लाभ, उन संसाधनों का लाभ मिल सके। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है, उपभोग मतलब यूज़ करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि देखो, जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों का वन है, वृक्ष है, इनको अंधाधुंध काटा जा रहा है ना, पूर्ति करने के लिए, घर बनाने के लिए, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति एवं अन्य वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागजों को नष्ट न होने दें। आप देखते हैं ना, बच्चे ऐसे ही फालतू में कागज वेस्ट करते रहते हैं। आपको पता है कि कागज कैसे बनते हैं? इसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। इसी तरह से सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है और एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अतः जिसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। तो बच्चों, आपको देखो, इस पाठ को पढ़कर तो आपको पता चल जाएगा कि संसाधनों का हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है ना। और आपको फालतू में कोई भी चीज, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, वायु तो खैर हम सांस लेने के लिए लेते हैं, है ना, तो किसी भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता है, जितने हमारे शरीर को नीड है, हमें उसका उतना ही उपयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। यही बात मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि जो हमारी भावी पीढ़ियाँ हैं उन तक भी हमारे संसाधनों का लाभ पहुँच सके, इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है ना, और इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की देख लेते हैं। आज की वर्कशीट में हमें क्या टास्क दिया गया है? प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखिए। जैसे आयशा घर की सारी लाइटें जला के पढ़ती है, देखो पढ़ रही है और घर की सारी लाइटें जल रही हैं, ये गलत है ना, बिजली वेस्ट हो रही है, उसको उतना ही प्रकाश लेना चाहिए जितना पढ़ने के लिए जरूरी है, पढ़ने के लिए आवश्यक प्रकाश का ही उपयोग करना चाहिए आयशा को। ठीक है, ये नहीं है कि सारी लाइटें जला दी, नहीं, जितना प्रकाश हमें चाहिए हमें सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्ते को जलाता है, ये जलता नहीं है, जलाता है, ये गलत है ना, पत्तों को दबाकर खाद बनाना चाहिए, पत्तों को दबाकर जमीन में दबाकर खाद बनानी चाहिए, ताकि उसका क्या है, उसका उपयोग हमारे पेड़ पौधों को मिल सके, है ना, जमीन की उर्वरता बढ़ सके उससे, तो खाद बनानी चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। राहुल ब्रश करते समय जल को खुला छोड़ देता है, ये गलत है ना, गलत है, उपयोग न होने के समय, उपयोग न होने के समय राहुल को
नल बंद कर देना चाहिए, है ना बच्चों? आप भी ब्रश करते हो तो जब आपको जरूरत नहीं होती है तो आप टंकी बंद कर देते हो ना, इसी तरह से राहुल को भी नल बंद कर देना चाहिए जब उसे उपयोग न हो। ठीक है, तो इन तीनों को आप इसी तरह से लिखेंगे अपनी कॉपी में, चाहे तो चित्र बना लेना, अदरवाइज आप ऐसे पॉइंट डालकर उसके नीचे इस तरह से करके उसको जो स्केच कलर है उससे अंडरलाइन कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। लास्ट में देखो, हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि लंबे समय तक हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसे ही सतत पोषण विकास कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप इसका उत्तर एक लिख देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उत्तर नंबर दो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बच्चों? देखो, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी। संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है और यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, संसाधनों को बचाकर रखना है। संसाधनों के, फिर यहाँ से लिखना, अत्यधिक दोहन से, यह आपका उत्तर दो हो जाएगा, दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है, यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक लिख लेना बच्चों। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर तीन बता देती हूँ, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यातायात मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आना जाना बंद हो जाएगा। यातायात के साधन जो हैं, जैसे कि आपको पता ही है, गाड़ी है, बस है, रेल है, इन सब के लिए पेट्रोलियम की जरूरत होती है ना? तो यातायात के साधन बंद हो जाएंगे और मनुष्य का जीवन, ऊपर लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है, और मनुष्य का जीवन थम जाएगा मतलब रुक जाएगा ना, एक ही जगह स्थिर हो जाएगा मनुष्य, ना कहीं यहाँ जा सकेगा ना कुछ कर सकेगा, तो मनुष्य का जीवन थम सा जाएगा। संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, पानी बचाकर, है ना, और बिजली बचाकर पेट्रोल का यूज़ भी वहीं करना चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, है ना। कम दूरी के लिए हमें ज़रूरी नहीं है गाड़ी उठाकर ही जाना है, कम दूरी के लिए हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल बचाकर और कागज़ का सीमित प्रयोग करना चाहिए, जितना ही हमें ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए, कागजों का सीमित प्रयोग आदि। और भी लिख लेना बच्चों, आपको समझ में आएंगे तो। ठीक है, इतने तो लिख ही लेना कि पानी बचाकर, बिजली बचाकर, पेट्रोल बचाकर, कागजों का सीमित प्रयोग करके, ये तो हमें जरूर ही करने चाहिए अपने लाइफ में ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसको उसका लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, तो आपको कोविड प्रोटोकॉल्स को भी मानना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है और अपना काम कंप्लीट करके मैडम को वर्कशीट सेंड करनी है और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू बच्चों।